सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक उम्मीद है। अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। कठिनाइयों से मत घबराओ, ये ही तुम्हें मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता वही है जो हमें संतोष दे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। आज का पंचांग 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 10:45 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 11:45 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:25 से 10:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 11:27 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है जहाँ पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेहरा से 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार, अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लगा रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप तब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकल कर परिवार को भी समय दें। किसी नई जगह जैसे कहीं एकांत या बाहर नेचर की यात्रा करें। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाएगी और आप शांति से घर वापस आएंगे। माता पिता कानूनी मामलों में आपकी सहायता करेंगे। आप अभी खुद को खुशकिस्मत महसूस करेंगे क्योंकि आपका हर काम सही से पूरा हो रहा है। साझेदारी सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। आज सितारे बताते हैं कि आज का दिन आपका व्यस्तता में बीतेगा। बच्चे से संबंधित कोई काम आज आपका पूरा हो सकता है। बिजनेस में आज आपकी अच्छी कमाई होगी, लेकिन जरूरी है कि वाणी में कड़वाहट को मिठास में बदलने की कला आपको सीखनी होगी। आपको आज सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा। किसी सामाजिक कार्य में आप शामिल होंगे। मनपसंद भोजन का आप आनंद भी लेंगे। नौकरी में आज आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। आज के दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला भी है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। व्यवसाय में आपको धन किसी से बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा। नौकरी पेशे लोगों का कोई प्रोजेक्ट तो उनके हाथ से निकल सकता है। आप संतान के करियर को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उन्हें कोई अच्छा अवसर हाथ लगेगा। परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों को कल पर टालने से बचें। पिछले कुछ समय से समस्या या तनाव चल रहा था तो उसका समाधान मिलने की उम्मीद है। इससे आप अपने दैनिक कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। समय को उचित सदुपयोग करें तथा सभी कामों को योजनाबद्ध तरीके से करें अवश्यंभावी है। डर की वजह से वर्तमान स्थिति में नकारात्मकता बढ़ सकती है। जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं वह फिलहाल बड़ा महसूस होगा। लोगों के साथ अपनी समस्या की चर्चा ना करें। लोग आपकी बातों को नकारात्मक तरीके से ले सकते हैं। विचारों में सकारात्मकता रखें। व्यापार से जुड़े लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर की पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें। सेहत से संबंधित परेशानी थोड़ी हो सकती है। सावधान या अत्यधिक आत्मविश्वास की स्थिति से बचें। इस वजह से आप अपना नुकसान कर सकते हैं तथा कुछ लोगों की नाराजगी भी हो सकती है। अगर शॉपिंग आदि करने जाते हैं तो जरूरत से ज्यादा खर्च करने से परहेज करें। किसी मित्र के साथ कहासुनी भी हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी तथा परिवारजनों के सहयोग से आप अपने काम पर
पूरा ध्यान लगा पाएंगी, प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी, पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा होगी। आपको कहीं ना कहीं यह महसूस होना शुरू हो गया है कि किसी के साथ रोमांटिक तरीके से जुड़ने में दिक्कतें ज्यादा है और संतुष्टि नहीं है। फिर भी आपकी जिंदगी में कोई एक अलग से व्यक्ति आने वाला है जो एक बार फिर आपको विपरीत लिंग के लोगों के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करेगा। अपने आप को निराश ना होने दें। सब्र का फल मीठा होता है और सब्र रखने से आपको भी मीठा फल जरूर मिलेगा। किसी लंबी यात्रा या विदेश यात्रा की संभावना है, किंतु दुर्घटना या हानि से बचकर रहें। यह समय रोमांस और अंतरंग खेल का है। आसपास की हवाओं में रोमांस है और आप इसका पूरा मजा लेंगे। यह दिन आपके सबसे अच्छे दिनों में से एक है। नए संबंध के लिए आज के दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रही है और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। बात करते हैं करियर की। आपके बड़े अधिकारी व ट्रेनर आपके गुणों को पहचानते हैं और जल्दी ही आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जितनी अधिक महत्वाकांक्षा उतनी ही अधिक स्पर्धा की भावना, उतनी ही अधिक ईर्ष्या घृणा द्वेष तथा हिंसा की भावना, इनसे बचने की कोशिश करें। आप किसी बड़े बदलाव को भी महसूस कर सकती हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना ना भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत हैं। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत खुद आपका पीछा करती है। आज के दिन प्रशासनिक नौकरियों में या किसी भी क्षमता में सरकार के लिए काम कर रहे लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो कि विस्तार पूर्ण काम काज जो काफी समय से लंबित था उसे करने के लिए आज प्रयत्न करें, क्योंकि वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने वर्तमान कार्यस्थल पर बेचैनी या फंसा हुआ समय महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन एक नई नौकरी के लिए भी उपयुक्त है। अगर नई नौकरी एक प्रशासनिक क्षमता को लेकर है तो निकट भविष्य में आपकी सफलता की पूरी संभावना है। बिजनेस में चुनौतियां रह सकती है। व्यावसायिक लोगों के साथ संबंधों में कड़वाहट ना होने दें, वरना इसका असर आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। करियर को लेकर युवाओं की परेशानियां दूर होगी। प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क होगा और बड़ी सफलता प्राप्त होगी। विचारों में सकारात्मकता रहेगी और उत्साह बना रहेगा। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, साथ ही धन की आपूर्ति में तेजी रहेगी। संतान से सुख की प्राप्ति होगी और समाज में सम्मान प्राप्त होगा। बात करते हैं सेहत की। आपको आज कोई बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा जो आपका व्यायाम में बेहतरीन साथी साबित होगा। आप उसे पहले भी जानते थे, लेकिन स्वास्थ्य में उनकी भी रुचि का आपको अभी पता चला है। आपकी मिली जुली कोशिशों से आप अपने संबंध को और अधिक गंभीरता से लेंगे और आपकी फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी। आप अभी किसी एथलेटिक कार्यकलाप में भाग ले सकते हैं। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें बहुत शुभ रहेगा। काली चीजों का दान करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।